हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हो। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, आप अपने फ़ोन का या पे मेरा जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो नोटिफिकेशन बार में कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन पर कैसे आप अपने फ़ोटो जो है अप्लाई कर सकते हो। आपका फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो, आप अपने मनपसंद कोई भी फ़ोटो जो है आप अपना नोटिफिकेशन पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो वीडियो है उसमें लास्ट तक बनी रही है एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इस चैनल में आपको इसी तरह की ट्रिप्स एंड ट्रिक सेटिंग के बारे में वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा इस चैनल में। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो नोटिफिकेशन बार, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा लग रहा है ना, तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हो कितना सिंपल लग रहा है। तो आप अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन पर कैसे आप अपना फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो, मनपसंद कोई भी फ़ोटो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो आप अपने फ़ोन के अंदर। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र, सभी फ़ोन के अंदर क्या होता है गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है वो होता है, तो आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सभी ऑल डिटेल मैं आप लोगों को बताना रहा हूँ। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक बनी रही है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन को भी अलाउ ऑन ऑफ करना होगा, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक बनी रही है। परमिशन अलाउ, यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, BSTRIT बीस्ट्रीट सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बीस्ट्रीट, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस बीस्ट्रीट सर्च कर लेना है, BSTRIT.com, यहाँ पे सबसे ऊपर वेबसाइट जो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरह की इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इस तरह की इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, कुछ भी परमिशन को अलाउ ऑन ऑफ करना होगा, परमिशन अलाउ ऑन ऑफ करना होगा। उसके लिए वीडियो का लास्ट तक बनी रहे, थोड़ी सी स्किप मत करना, थोड़ी सी स्किप कर लेगा तो आपको वीडियो जो है वो समझ में नहीं आएगा पूरी तरफ से, उसके लिए वीडियो का लास्ट तक बनी रहे। यहाँ पे इसी तरह की इंटरफेस आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे यहाँ सर्च बार का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सर्च कर लेना है आप लोग OnSH1Shoot, यहाँ पे सर्च कर लेना है OnSH, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे सर्च कर लेना है OnSH1Shoot सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है OnSH, सर्च करने के बाद आपको इसी तरह इंटरफेस जो आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाया, इस यहाँ पे देख सकते हो, उसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे स्पिक कर देना, स्क्रॉल कर देना है। करने के बाद आपके पास यहाँ पे रेड कलर का डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसी तरह इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पे क्या कलर, बाद में आपको पास इसी तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड, यहाँ पे एनीवे, यहाँ पे देख सकते हो, उसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो गया, तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डाउनलोड हो गया इंस्टॉल, मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको पास इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो इस तीनों परमिशन को अलाउ कर देना है, तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ, इसको भी अलाउ कर देना है। यहाँ पे उसको भी मैं यहाँ पे वाले अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे OnSH1Shoot, यहाँ पे उसको भी अलाउ कर देता हूँ। ओके, तो बाद में ओके कर देता हूँ इसको भी, तो मैं यहाँ पे इसको भी ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके पास इसी तरह का इंटरफेस जो आ जाएगा। तो बाद में यहाँ पे कलर का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरा जो नोटिफिकेशन यहाँ पे चेंज हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट कलर में यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप कलर चेंज कर सकते हो अप्लाई करके। यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो रेड हो गया। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो एंड फोटो कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप अपने फ़ोटो कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे देख सकते हो, मेरा मेरा मनपसंद ये कलर, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना दिखने में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फोटो कैसे लगा सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे देख सकते हो, कस्टम बैकग्राउंड भी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो फाइल मैनेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
फाइल सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद कैसे फ़ोटो लगा सकते हो, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पे क्या करने लाना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा इस फ़ोटो को लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लो मेरा इस फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे इस फ़ोटो को लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करना है, यहाँ पे डन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरा जो फ़ोटो है वो लग गया। तो आप भी आप अपने फ़ोन के अंदर इस तरह की नोटिफिकेशन पर अप्लाई कर सकते हो फोटो। तो इसी तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक सेटिंग के बारे में वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इस चैनल में आपको इसी तरह की वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।